दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो में आए हैं तो इसका मतलब आप लोग भी Realme X7 Max डिवाइस में इंटरेस्टेड हैं और मैं Realme X7 Max फोन को पिछले लगभग 3 महीनों से यूज कर रहा हूं और इन 3 महीनों में क्या कुछ कमियां इस फोन में मिली हैं और क्या कुछ खूबियां हैं इस फोन में वो मैं पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपको ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि लॉन्ग टर्म के लिए ये फ़ोन कैसा रहेगा आपके लिए, क्या आपको ये फ़ोन अभी भी 2022 में लेना चाहिए या नहीं। तो लगभग 3 महीने के इस्तेमाल के दौरान इस फ़ोन की जो हालत रही है और इस फ़ोन के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसको बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही टेक्नोलॉजी वाली और हेल्पफुल वीडियो लेके हमेशा आते रहते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी से। इस फोन की बिल्ड क्वालिटी से मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि ये देखने में भी अच्छा लगता है और इसका जो वेट है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी काफी अच्छा है, क्योंकि इस फोन के अंदर 45,000 mAh की बैटरी दी गई है, इसलिए फोन ये हल्का है। बाकी जैसे Redmi Note 10 Pro या 10 Pro Max वगैरह भारी और बल्कि लगते हैं हाथ में, वैसा ये फोन फील नहीं होता है। ये छोटा फॉर्म फैक्टर वाला फोन है और हाथ में ये काफी आपको कंफर्टेबल फील होता है। कमी यहाँ पे एक ही है कि इसका जो बैक पैनल है वो प्लास्टिक का है, लेकिन मुझे इसलिए दिक्कत नहीं होती क्योंकि मैं फोन को केस के साथ यूज करता हूँ, और जब केस के साथ अगर आप फोन को यूज करेंगे तो पीछे चाहे मेटल हो, चाहे ग्लास हो, चाहे प्लास्टिक हो, क्या फर्क पड़ता है। मुझे इस फोन के बैक साइड के प्लास्टिक होने से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर मैं कवर के साथ इस फोन को यूज करता हूँ तो ये फोन ओवरऑल काफी अच्छा दिखता है। बिल्ड क्वालिटी के बाद मैं बात करूंगा इस फोन के डिस्प्ले की। डिस्प्ले इसका 6.4 इंच का सुपर मोले डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 1000 निट्स की इसमें पीक ब्राइटनेस दी गई है। अगर मैं इसको आउटडोर में भी यूज करता हूं तो विजिबिलिटी काफी अच्छी रहती है, मुझे कहीं से कोई प्रॉब्लम इसमें नजर नहीं आता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी काफी अच्छे से काम करता है, कहीं से भी कोई लैग वगैरह नोटिस नहीं होता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट में। और इस फोन का डिस्प्ले HDR10 को सपोर्ट करता है, आप YouTube वगैरह पे HDR कंटेंट को भी एंजॉय कर सकते हैं इस फोन के डिस्प्ले के साथ। कुल मिलाकर इस फोन का डिस्प्ले काफी आपको पंची कलर भी प्रोड्यूस करता है और इस वजह से आप इसमें मूवी वगैरह भी आप देखते हैं इस फोन में, आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस फोन के डिस्प्ले के साथ। अब बात करते हैं इस फोन के स्पीकर की। इस फोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है जो कि लाउड एंड क्लियर है। इसके साथ इस फोन में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक भी मिल जाता है, जो कि जितने भी फ्लैगशिप लेवल के फोन है उन फोन से ये जैक निकलते जा रहा है। अब बात करेंगे इस फोन की मेन हाईलाइट की, इस फोन में जो कि है इस फोन का प्रोसेसर। इस फोन में आपको MediaTek का Dimensity 1200 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, और इस प्रोसेसर का Antutu बेंचमार्क लगभग 6,70,000 के आसपास आता है बार बार टेस्ट करने के बाद भी। अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग है, अगर आप गेमिंग के लिए ही फोन ढूंढ रहे हैं तो आंख बंद करके इस फोन को ले सकते हैं, क्योंकि Dimensity 1200 प्रोसेसर गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। एक अपडेट में तो इसमें 90fps भी अनलॉक हो गया था, PUBG 90fps पे इसमें चल रही थी, लेकिन अभी वापस सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह के बाद फिर 70fps पे आ गया। हो सकता है आगे फ्यूचर में कुछ ऑप्टिमाइजेशन के साथ फिर से 90fps अनलॉक हो जाए। तो गेमिंग के लिए फोन बेस्ट है, कहीं से भी कोई लैग कोई दिक्कत आपको नोटिस नहीं होगा गेमिंग करते टाइम, क्योंकि प्रोसेसर इतना कैपेबल है और ये एक 5G प्रोसेसर है तो फ्यूचर प्रूफ भी है। 2022 के लास्ट में हो सकता है कि इंडिया में 5G भी देखने को मिल जाए, तो ये 5G प्रोसेसर है तो इसको आप फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 4G के साथ भी ये प्रोसेसर काफी अच्छा काम करता है, इसमें कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है और 4-4 नेटवर्क कनेक्शन ये एक साथ एस्टेब्लिश करता है, तो इसलिए 4G में भी इसकी इंटरनेट स्पीड काफी अच्छी है इस फोन की। अब बात कर लेते हैं इस फोन के बैटरी की। तो इस फोन में आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाती है और ये आपको लगभग 7 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है। वैसे सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ये टाइम ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब किसी सॉफ्टवेयर अपडेट में थोड़ा बैटरी ज्यादा ड्रेन होती है, फिर किसी अपडेट में ये सुधर भी जाता है, लेकिन अभी जो मेरा फोन का कंडीशन है, मैं फोन पूरा दिन यूज करता हूँ, नॉर्मल यूज ही रहता है फोन पे मेरा, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह इस्तेमाल करने होते हैं ज्यादा, यूट्यूब कंज्यूम करता हूँ मैं, तो पूरे दिन नॉर्मल यूज के बाद मेरा फोन शाम को 30-40% तक अभी चार्ज रहता है। मैं 24 घंटे में अपने फोन को एक बार चार्ज करता हूं, और अगर हैवी यूज करता हूं तो शाम होते होते मेरे फोन की बैटरी 20% तक आ जाती है, तो एक दिन का बैटरी बैकअप एवरेज मुझे आराम से मिल जाता है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि 4500mAh बैटरी के हिसाब से काफी अच्छा बैटरी बैकअप इस फोन का है। ऊपर से प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें 65W का आपको चार्जर मिलता है और 50W का ये चार्जिंग सपोर्ट भी करता है ये फोन। अगर आपका फोन मान लीजिए 30-40% पे आ गया है और अब आप चार्ज में लगाते हैं तो आधे घंटे से कम समय में आपका फोन 100% फुल चार्ज हो जाता है। ये एक एडवांटेज है इस फोन में। जो भी बातें मैं बता रहा हूँ इस फोन के साथ मैंने खुद से यूज करके और एक्सपीरियंस लिया है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कहीं से कुछ पढ़ के या कुछ सुन के मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, तो इसके लिए वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। अब बात कर लेते हैं
हैं इस फोन के कैमरे की। तो इस फोन में जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का सोनी 682 सेंसर वाला कैमरा है। इसके बाद जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, जो मैक्रो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है, और जो इसका फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है। अब यहाँ पे अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो कैमरे में फीचर तो बहुत सारे हैं, क्योंकि इसमें पावरफुल प्रोसेसर लगा है तो इसमें आप 4K 60fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बैक कैमरे से। इसके साथ बूके वीडियो का इफेक्ट, यानी कि जो बैकग्राउंड में ब्लर होता है वीडियो में, वो इफेक्ट भी इस फोन में फ्रंट और बैक दोनों कैमरे में दिया गया है। तो अगर मैं मेन कैमरे की बात करूँ तो मेन कैमरा इसका काफी अच्छा, लो लाइट परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, काफी अच्छी तस्वीरें लेता है, थोड़ा सा बूस्टेड कलर देता है, लेकिन ओवरऑल काफी अच्छी तस्वीरें लेता है इसका बैक कैमरा मेन कैमरा। लेकिन अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो उतनी अच्छी इमेज नहीं आती है, इसको शायद सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। फ्रंट कैमरे का सेंसर भी कैपेबल है कि वो अच्छी तस्वीरें ले सकता है, मैंने जीकैम वगैरह इंस्टॉल करके देखा है, काफी अच्छा रिस्पांस मिल जाता है जीकैम से, लेकिन मैं ये कहूंगा कि रियलमी को सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसका जो फ्रंट कैमरा है उसको फिक्स किया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर मैं सीधे सीधे कहूँ कि आप अगर कैमरा पर्पज से फोन ले रहे हैं तो ये फोन रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका कैमरा उस लेवल का नहीं है, उसके लिए फिर और भी फोन है अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा है। अब बात करेंगे इस फोन के सॉफ्टवेयर की, कि सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है इन 3 महीनों में। अभी इस फोन में Realme UI 2.0 चल रहा है और ये फोन आया भी था Realme UI 2.0 के साथ, और इन 3 महीनों में ऐसा कुछ नोटिसेबल बग वगैरह मुझे नहीं मिला। इसके पहले मैं Redmi Note 10 Pro वगैरह भी यूज कर रहा था, लेकिन उसमें काफी बग्स वगैरह मिल रहे थे MIUI में, लेकिन इस फोन में मुझे अभी तक 3 महीने में कोई बग वगैरह देखने को नहीं मिला। Realme UI 2.0 की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है। इसमें पर्सनलाइजेशन में जाके आप कुछ ऐसे सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं जिससे डेली बाय डेली अपने फोन को आप एक फ्रेश लुक दे सकते हैं। और अगर मैं अपडेट्स की बात करूं तो Realme X7 Max में हमेशा अपडेट मिलते रहते हैं। जब से मैंने ये फोन लिया है तब से कम 4-5 अपडेट मुझे मिल चुके हैं इस फोन के। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच हमेशा मिलता रहता है। अभी ये फोन एंड्रॉइड 11 पे चल रहा है और इसका जो बीटा वर्जन है Realme UI 3.0 एंड्रॉइड 12 के साथ वो भी लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी नॉर्मल फोन के लिए अभी आने में 3 महीने कम से कम लगेंगे। तो अगर Realme UI 3.0 आता है तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या कुछ खास नया आपको देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी की बात करें तो इस फोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, जो कि काफी फास्ट और एक्यूरेट है। ये अल्ट्रासोनिक वाला है, इसलिए थोड़ा सा जो पुराने वर्जन वाले अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है उनसे थोड़ा सा ये फास्ट काम करता है। फेस अनलॉक भी इसका ठीक ठाक है। अगर बात करें इस फोन के स्टोरेज की और परफॉर्मेंस की, तो इस फोन में आपको UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है, जो कि काफी फास्ट होता है, और मिनिमम ये फोन 8GB रैम के साथ आता है। और मिनिमम 8GB रैम है तो अगर आप वीडियो एडिटिंग या गेमिंग जैसे हैवी टास्क भी करते हैं तो पावरफुल प्रोसेसर के साथ UFS 3.1 स्टोरेज और 8GB रैम कुल मिलाकर इस फोन को हाई परफॉर्मेंस वाला फोन बना देते हैं। मैं जो इस फोन का वेरिएंट यूज कर रहा हूँ वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और है कि इसमें आप SD कार्ड नहीं लगा सकते। इन 3 महीनों के दौरान इस फोन में कोई भी मुझे मेजर इशू नहीं लगा। हीटिंग वगैरह की मैं बात करूं, ये फोन थोड़ा सा वार्म होता है अगर बाहर आप सनलाइट वगैरह में यूज करते हैं, हैवी यूज करते हैं तो थोड़ा सा वार्म होता है, लेकिन हीटिंग इशू उसको नहीं कहा जा सकता, मतलब बहुत ज्यादा हीट नहीं होता है फोन। चार्जिंग टाइम में भी फोन थोड़ा सा वार्म होता है, क्योंकि पिछले 3 महीनों से हल्का फुल्का ठंडी का मौसम ही चल रहा है, तो हो सकता है इसकी वजह से भी फोन में ज्यादा मेजर हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला हो। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ मिलता है तो मैं वीडियो के माध्यम से जरूर आपको बताऊंगा। मैंने इस फोन को वैसे 20,999 में लिया था सेल के दौरान, अभी ये फोन पिछले सेल में आपको 22,000 रुपए का मिल रहा था। 27,000 रुपए का ये फोन है और प्रीपेड ऑर्डर पे 5,000 का डिस्काउंट मिल रहा था। तो अगर ये फोन आपको सेल में 22-23 हज़ार तक भी अगर मिल जाता है तो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और फ्यूचर प्रूफ है। बाकी जो हल्की फुल्की कमियां थी, जैसे कि कैमरा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, और जो भी कमियां थी हल्की फुल्की मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।